लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खनन घोटाला मामले में बड़ी खबर मिल रही है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, जहां पर शामिल 5 आईएएस अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। खनन घोटाला मामला बताया जा रहा है, जहां सीबीआई के बाद ईडी ने अफसरों पर शिकंजा कसा है। 12 जिलों में सीबीआई की छापेमारी हुई थी। लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज समेत 12 जिलों में ये छापेमारी की गई, जहां से कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया था। और इन तमाम सबूतों के आधार पर अब ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी कि सीबीआई के बाद अब ईडी ये कार्रवाई कर रही है, जहां 5 आईएएस अफसरों पर केस दर्ज किया गया है, शिकंजा कसा गया है इन 5 आईएएस अफसरों पर। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और अब जब सीबीआई ने जांच की, गहन जांच के बाद जो सबूत इकट्ठा किए गए, जो दस्तावेज इकट्ठा किए गए, अब उन्हीं के आधार पर ईडी ये बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले में जो आईएएस अफसर शामिल थे उन पर केस दर्ज किया गया है। उन अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद अब ये शिकंजा कसा गया है इन अफसरों पर जो इस पूरे मामले में शामिल थे।